गाइस यार फाइनली यार आप पकड़ेंगे यहाँ से यमुना एक्सप्रेस और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस यहाँ पे छोड़ेंगे। यार लगता है यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है, जैसे देख सकते हो रोड के साइड में पानी है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। यार मैं टोल पे आ गया, रुक गया था रात में क्योंकि लगभग 11:30 बज गए थे और मतलब सोया भी नहीं था। तो गाइस फाइनली ये रहा नज़ारे आज के और ये रहा टोल सामने की ओर और फाइनली ये रही हमारी गाड़ी। चाय साय पी लिए, अब बस निकलना है। यार चलो फिर कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। और मेरे बाल आपको ना थोड़ा बिखरे दिख रहे होंगे। यार ये मेरे बाल ऐसे ही हो जाते हैं, क्या करूँ, जितना भी इसको ठीक करता हूँ ना और ये ऐसे ही हो जाते हैं। तो यार एक बार गाड़ी का पूरा चक्कर मार लेते हैं, लगभग वैसे मार चुका हूँ, एक बार और चेक कर लेते हैं क्योंकि यार जाने के बाद ये ना हो कि बीच में टायर पंचर है। तो क्या है भाई, ये रहा टोल। वैसे गाइस लगभग सब ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। अब यार यहाँ से पूरे 525-26 किलोमीटर आगे जाना है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं यार ब्लॉग और निकलते हैं आगे, क्योंकि यार कब तक यहाँ पे रुक के टाइम अपना जाया करेंगे। चलो यार शीशे को नीचे करते हैं और कैमरे को सेट करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। तो गाइस यार वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आगे। अब तो फाइनली यार 2 किलोमीटर बाद रेस्ट एरिया दे रहा है ये बोर्ड पे। यार अभी टाइम भी हो गए 10:30 से ऊपर हो रहा होगा और भूख भी लगी है, नाश्ता वास्ता तो कुछ मिला नहीं। यार चलते हैं फिर नाश्ता वगैरह और खाना वाना खाएंगे, नाश्ता तो नहीं करेंगे सीधा खाना खाएंगे। यार रेस्ट एरिया अभी 2 किलोमीटर दिखा रहा है तो यहाँ से सामने बोर्ड मार रहा है, यार चलेंगे। तो गाइस यार फाइनली लखनऊ आगरा एक्सप्रेस है ये और यहाँ का नज़ारा थोड़ा देख सकते हो और यहाँ साइडों में रोड का काम चल रहा है, सफाई वाला, सफाई अभियान का। तो गाइस अभी यार होटल अभी 1 किलोमीटर है और सच बताओ तो यार भूख लगी अच्छी खासी, क्योंकि रात में भी यार एक्सप्रेसो पे चढ़ने के बाद खाना नहीं मिला। एक जगह पे मिलता भी है तो यार खाना ना अच्छा नहीं मिलता, जैसे ही लोग दे देते हैं ना जानवर को खाने के लिए वैसे ही खाना देते हैं। तो यार खाना खाया नहीं रात में, वैसे ही सो गया बिस्किट खा के। तो फाइनली अभी रेस्ट एरिया 1 किलोमीटर और यहाँ का एरिया फाइनली ठंडा गर्म दोनों है, पर जैसे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि ठंडा भी मौसम है, हवा भी ठंडा आ रही है और मौसम भी देख सकते हो थोड़ा छांव है, चलने में भी मज़ा आ रहा है। तो गाइस चलते हैं फिर रेस्ट एरिया में और वहाँ पे देखते हैं क्या सुविधा है, नहाने धोने का सुविधा होगा तो नहा धो लेंगे और खाना पीना खाएँगे, फिर उसके बाद यार थोड़ा आराम करेंगे फिर निकलेंगे। तो चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपना ब्लॉग। रेस्ट एरिया हमारा 500 मीटर है यहाँ से अभी। यार ये रोड रेस्ट एरिया जा रहा है जो लेफ्ट में जा रहे हैं, हाई पे इस टाइम छोड़ चुके हैं, अब निकल रहे हैं सीधा रेस्ट एरिया की साइड। तो सामने वाला भी ट्रक जो है वो जा रहा है अभी रेस्ट एरिया की साइड जा रहा है, क्योंकि यार दोपहर भी हो चुका है, लगभग अभी बच चुके हैं 11:30 और धूप भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है। तो यार ज़्यादा धूप में ना गाड़ी भी ज़्यादा गर्म होती है और डीजल भी ज़्यादा उठाती है,
इसके लिए हम रेस्ट एरिया में थोड़ा रुकेंगे, आधा एक घंटा का ब्रेक, उसके बाद आगे निकलेंगे। तो फाइनली अभी स्लो स्लो भर रहे हैं आगे। यार अंदर आने के बाद पता चला कि यहाँ पर बहुत सी सारी गाड़ियाँ रुकी हैं रेस्ट एरिया पे। यार इंडिया में अभी मैं मतलब जब से गाड़ी चला रहा हूँ ऐसे रेस्ट एरिया पे पहली बार रुका हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। तो गाड़ी यार कहीं पर साइड देख के गाड़ी को पार्क करते हैं और देखते हैं खाने का कहाँ पे यानी व्यवस्था है, तो खाते हैं खाना वाना। तो यार यहाँ पर लगाऊँ गाड़ी तो पीछे से गाड़ी आएगी तो दिक्कत करेगी, क्योंकि अपनी गाड़ी है ज़्यादा लंबी चौड़ी। यार चलते हैं फाइनली आके लगाते हैं वहाँ पे, जो किरान देख रहे हो ना JCB क्या पोकलैन लोड है, पोकलैन के साइड में लगाते हैं और फिर चलते हैं खाना खाने। यार चलो फिर मारते आगे, आगे चढ़ा के फिर यार बाइक मारेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी यार लंबी होने के कारण ना मतलब लंबा टर्न लेती है। तो यार फटाफट पहले बाइक लगाते हैं उसके बाद हम। और यार ये उस्ताद वो इसी जगह पे लगा रहे हैं थोड़ा, यार उस्ताद मेरा भी गाड़ी के लगाने का जगह छोड़ देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, पर देखते हैं कहाँ पे लगाते हैं उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर हमारा गाड़ी पूरा बैठेगा या नहीं। गर्मी गर्मी यार, बहुत गर्मी यहाँ पे। यार फाइनली अपना रेस्ट और नाश्ता खाना हो गया, अब देखो यार चलते हैं आगे, क्योंकि यार धूप भी बहुत है और गर्मी भी बहुत हो रही है। रुकेंगे तो यार कब तक रुकेंगे, अभी यार 1:30 बज गए हैं और सफ़र भी तय करना है अभी 350 किलोमीटर। तो चलो गाइस फाइनली निकलते हैं आगे और अभी रेस्ट एरिया पे खड़े हैं। तो यार अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से एक टिकट लेना है कोलकाता के, आपको पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेस। यार अभी ना पीछे बहुत धूप लग रही थी और गर्मी भी हो रही थी और यहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ा ठंडा मौसम है। अभी थोड़ी मोड़ी बारिश मतलब हल्की हल्का बारिश हुई थी और उसके बाद अभी मौसम बहुत ठंडा हो गया, हवा हवा चलने लगी है। यार फाइनली सामने आ गए टोल पे, ये टोल कटा के सामने रुकते हैं, चाय साय पीते हैं और चार साल पी के फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो गाइस यार मौसम देखो अच्छा लग रहा है ना। यार अभी निकलने वाले हैं, उतरने वाले हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से। यार ये जो आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं ना, यही वही है कि रोड पे छोटे छोटे घर बना के जो भीख मांगते हैं ये वही है। यार इसको भीख देते हैं और निकलते हैं आगे। तो हमारा हो चुका है ग्रीन सिग्नल और निकल रहे हैं आगे। यार यहाँ पे ना टोल रोड जहाँ पे चल रहे हो, जहाँ पे उतर रहे हो, तो वहाँ पे यार इन आउट का टोल लगाना पड़ता है, यानी रोड का टैक्स चार्ज होता है वो देना पड़ता है। यार फाइनली हो गया और निकलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि यार कभी कहीं कहीं पे ऐसे जगह लोग ब्रेकर बना देते ना, गाड़ी हिलती ही नहीं है तो क्या करें। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं अपना व्लॉग और लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लग रहा है यार तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। कितने लोग देखते हैं ना जो वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। और यार अपना सुझाओ यानी मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ कैसा नहीं, यार कमेंट में बताया करो, उसको सुधारूंगा मैं और सुधारने की कोशिश करूंगा। तो गाइस यार फाइनली यार आप पकड़ेंगे यहाँ से यमुना एक्सप्रेस और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस यहाँ पे छोड़ेंगे। यार लगता है यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई है,
जैसे किसी देख सकते हो रोड के साइड में पानी है और मेरे शीशे में भी पानी आ चुका है इस टाइम। यार अभी ये रोड हमें घुमा के उतार देगा वहाँ यमुना एक्सप्रेस पे, तो यार अभी ये रोड घुमाएगा उधर से और यहाँ पे यार इसको हम बोलते हैं बाय बाय लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, हमारी बहुत सहायता की यहाँ तक आने में, तो यार फाइनली इसको अलविदा बोलते हैं, फिर से मिलेंगे यार लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, अभी चलते हैं यमुना एक्सप्रेस पे। तो गाइस वो रहा नीचे यमुना एक्सप्रेस और आगे नीचे उतर के यार नीचे उतरते हैं घूमर के, तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे सामने हमारा रोड आ गया है यार यमुना एक्सप्रेस, तो यार यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस रोड मर्ज हो चुका है जहाँ कि हम इस टाइम यमुना एक्सप्रेस पे चल रहे हैं। गाइस यार आज का ब्लॉग यार आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना। यार ऑल इंडिया ट्रेवल ब्लॉग हम ऐसे वीडियो बना के डालते रहते हैं, यार नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना और अपना कमेंट यार कमेंट यार किया करो, क्योंकि ये कमेंट करते हो ना उसमें मेरी गलती या जो भी वो बताते हो ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। यार चलो फिर निकलते हैं यमुना एक्सप्रेस से उतरते हैं फिर 19 नंबर हाईवे जो कि आगरा मथुरा होते हुए जाता है KMT में, यानी जो दिल्ली को सर्कल बना के रखा है। यार चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक यार बाय बाय एंड जय हिंद।